चलिए हम लोग शुरू करते हैं अलजेब्रा से, जहाँ से ये उपाय किया जा रहा है वहाँ साधन का बड़ा अभाव है, फिर भी ये एक प्रयास है कि काम हो और आप लोग को असुविधा ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, जो बड़ा काम का है। ये कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या कैलकुलस हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो, सब में इसका काम पड़ता है। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस, इक्वेशन और एक्सप्रेशन, जिसे आप लिखते हैं। अब इक्वेशन भी कई तरह के होते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी होते हैं, लॉग वाला भी होता है। जैसे इक्वेशन और एक्सप्रेशन, जैसे हम लिखते हैं x प्लस टू, ये एक्सप्रेशन हुआ, और x प्लस टू बराबर ज़ीरो कर दिए, मतलब राइट हैंड साइड में भी ज़ीरो या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं, तो वो ये एक इक्वेशन हुआ। इक्वेशन में इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, या फिर उसको रूट भी बोलते हैं, या फिर जीरो ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। जैसे x प्लस टू बराबर ज़ीरो है, तो इसका सॉल्यूशन या फिर रूट या फिर ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन का अर्थ हुआ कि ये जो वेरिएबल है x, x का वो मान जो कि इसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई करे, दैट इज़ x बराबर माइनस टू, एक्स की जगह पर माइनस टू रखेंगे तो ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि एल एच एस और आर एच एस बराबर हो जाएगा। सो x बराबर माइनस टू इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये चूँकि माइनस टू एक रियल नंबर है, इसलिए ये रूट इसका रियल है। रूट्स रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इक्वेशन के नेचर पर। अब है क्या कि हम ये इसमें ये टर्म वेरिएबल है, तो इक्वेशन में हर एक टर्म का अपना अपना डिग्री होता है और इक्वेशन का भी डिग्री होता है। तो जो इसमें आप जैसे हम लिखें अब इसमें देखिए, जो वेरिएबल का पावर है x का पावर दो, तो ये दो डिग्री वाला टर्म हुआ। इसमें है x का पावर एक, ये एक डिग्री वाला टर्म हुआ, यहाँ x नहीं दिखाई दे रहा है, ये x का पावर ज़ीरो यहाँ पर समझे, ये जीरो डिग्री टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म कहलाए। तो ये पूरा ये दो डिग्री वाला टर्म हुआ, ये एक डिग्री वाला टर्म हुआ, क्यों, यहाँ पर वेरिएबल का पावर एक है, इसलिए पूरा एक डिग्री वाला ये टर्म हुआ। यहाँ पर x का पावर ज़ीरो है, इसलिए पूरा ज़ीरो डिग्री वाला टर्म हुआ, या फिर इसको कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। तो हर एक टर्म का अपना अपना डिग्री होता है, और जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, जैसे इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ये है जिसका कि डिग्री दो है, तो जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसका जो डिग्री है वही इस इक्वेशन का भी डिग्री कहलाएगा। ये इक्वेशन ऑफ डिग्री टू, और इसको स्पेशली क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि डे टू डे लाइफ में कुछ इक्वेशंस जो है दो डिग्री तीन डिग्री तक जो है व्यवहार में ज़्यादा आता है, या एक डिग्री वाला इक्वेशन जो आता है व्यवहार में ज़्यादा, इसलिए उसका अलग से नाम दे दिया गया है। जैसे एक डिग्री वाला ये टर्म है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो एक डिग्री का है, इसलिए एक डिग्री वाला टर्म हुआ, यहाँ पर ये जीरो डिग्री वाला टर्म हुआ। चूँकि हाईएस्ट डिग्री टर्म एक डिग्री का है, इसलिए ये एक डिग्री का इक्वेशन कहलाया। एक डिग्री के इक्वेशन को भी नाम दे दिया गया लीनियर इक्वेशन, मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर एक दिखाई दे, वो लीनियर इक्वेशन हुआ। दो डिग्री वाला इक्वेशन को क्वाड्रेटिक, उसी तरह से तीन डिग्री वाला इक्वेशन होगा, जैसे मान लीजिए ठीक है,
ठीक है, ये एक्स क्यूब, इसमें एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, ये 3 डिग्री वाला टर्म हुआ, ये 2 डिग्री वाला टर्म हुआ, ये 1 डिग्री वाला टर्म हुआ, ये 0 डिग्री टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म हुआ। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो 3 डिग्री का है, इसलिए इस इक्वेशन का डिग्री 3 हुआ। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 जिसको कि क्यूबिक बोलते हैं। इसी तरह से 4 डिग्री वाला को बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री हुआ, बाई लगा दिए, बाई मीन्स 2, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री वाला। तो इन जनरल क्या होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पहले पॉलिनोमियल इक्वेशंस। पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल पॉली मीन्स होता है बहुत, पॉलिनोमियल बहुत सारा टर्म वाला इक्वेशन। तो अब जैसे एक टर्म वाला कोई इक्वेशन लिख जिसमें एक ही टर्म दिखाई दे, जैसे इसमें 2 टर्म दिखाई दे रहा है, एक ये इसमें 3 टर्म दिखाई दे रहा है, तो एक टर्म वाला मोनो मीन्स एक, जैसे मान लीजिए 2x बराबर 0 लिखे, दिस इज मोनोमियल। अब 2x प्लस 3 बराबर 0, दिस इज बाइनोमियल, बाय मीन्स 2, 2 टर्म वाला ये इक्वेशन है। उसी तरह से ट्राइनोमियल है, इसी तरह से ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन जनरल, ठीक है। तो fx बराबर हम लेते हैं ऐसा, a नॉट xn प्लस a1 xn माइनस 1, a2 xn माइनस 2, अब इसको एफ एक्स के बराबर इसलिए लिए, अब ये एक्स का फंक्शन है, सारा टर्म है, एक्स इन्वॉल्व है, सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड को कहे फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स बराबर 0, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर 0 वेयर ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, आर कोफिशियंट्स जिससे गुना है हर एक टर्म को, एन जो दिखाई दे रहा है, एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव हुआ लेस देन 0, तो नॉन नेगेटिव मतलब जो लेस देन 0 नहीं हो, इंटीजर, इंटीजर जो कि नेगेटिव नहीं हो, मीन्स कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n इज एन इंटीजर, 0 या 0 से बड़ा इंटीजर, दैट इज होल नंबर। तो n होल नंबर है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लिखे हैं, तो यहाँ वेरिएबल x है, तो पॉलिनोमियल ये तब कहलाएगा जब x, यहाँ n के बारे में क्या दिया हुआ है कि ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब x का जो भी पावर आपको दिखाई दे रहा है वो किसी भी टर्म में x का पावर नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाने के लिए जो वेरिएबल है यानी कि यहाँ पर x है, उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से। तो ये सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, ये सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है। हम आपको बता चुके हैं कि हर एक टर्म का अलग अलग अपना डिग्री होता है जो उसके पावर से पता चलता है। यहाँ एक्स का पावर एन है इसलिए एन डिग्री वाला टर्म हुआ ये पूरा, ये एन माइनस 1 डिग्री वाला टर्म हुआ, ये एन माइनस 2 डिग्री वाला टर्म हुआ, और इस तरह से ये 0 डिग्री टर्म हुआ। तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका डिग्री चूंकि एन है, तो यही इस इक्वेशन का भी डिग्री कहलाएगा। सो एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स लिख दिए मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, एफ एक्स बराबर 0 इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। ऑफ डिग्री एन, ये एन डिग्री वाला पॉलिनोमियल को हम लिखे हैं, ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी के बारे में कोफिशियंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब वो सारा 0 नन 0 कुछ भी हो सकता, ए नॉट अगर 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा,
फिर ये n डिग्री वाला पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम लिखें कि a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू बराबर जीरो, दिस इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू, तो यहाँ पर ये लिखना होगा कि a नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो ये एक डिग्री का इक्वेशन रह जाएगा, दो डिग्री का नहीं, यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। सो a नॉट जीरो नहीं होगा, a नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। उसी तरह से अगर आप लिखते हैं n अगर तीन ले लेते हैं, a नॉट एक्स क्यूब प्लस a वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री बराबर जीरो, दिस इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री थ्री। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दें कि ये तीन डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये कंप्लीट इक्वेशन है, ये तीन डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए चार टर्म है टोटल, एक ये तीन डिग्री वाला, फिर दो डिग्री वाला, फिर एक डिग्री वाला, फिर जीरो डिग्री वाला, मतलब जीरो से तीन, तीन से जीरो, ये कंप्लीट इक्वेशन है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि a नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, a1, a2, a3 में से सारा का सारा या फिर इसमें से कोई एक या फिर दो जीरो हो सकता है, फिर भी ये तीन डिग्री का इक्वेशन रह जाएगा। जैसे अगर लिखें 2x क्यूब माइनस 3x बराबर जीरो, ये क्यूबिक है, ये तीन डिग्री का पॉलिनोमियल है, बट दिस इक्वेशन इज इनकम्प्लीट। जितना डिग्री का इक्वेशन रहेगा उसमें टर्म का संख्या डिग्री से एक ज़्यादा, जैसे ये तीन डिग्री का कंप्लीट इक्वेशन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है तीन से एक ज़्यादा, यानी कि चार, ये दो डिग्री का पॉलिनोमियल। चूंकि ये कंप्लीट है इसीलिए इसमें टर्म का संख्या दो से एक ज़्यादा, यानी कि तीन, एक दो तीन। ये एक्स का चूँकि मैक्सिमम पावर तीन है इसलिए ये तीन डिग्री का इक्वेशन है, इसमें कंप्लीट इक्वेशन में टोटल चार टर्म होना चाहिए, बस इसमें दो ही टर्म है इसलिए ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है। जैसे हम बताइए एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसमें ये कंप्लीट इक्वेशन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको एन प्लस वन मिलेगा। देखिए एक्स का पावर एन से घटते घटते जीरो, एक से लेकर के एन तक एन टर्म हुआ और एक टर्म ये जीरो डिग्री टर्म, मतलब जीरो से एन या फिर n से 0 तो n प्लस 1 टर्म हुआ। इसमें ये सब जो टर्म मिसिंग हो सकता है, एक भी टर्म अगर मिसिंग हुआ तो ये इनकम्प्लीट इक्वेशन हो जाएगा। अब ये क्यूबिक है जो कि इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट को आप कंप्लीट बना सकते हैं, जो मिसिंग टर्म है उसको जीरो कोफिशियंट के साथ इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जैसे इसमें एक्स क्यू ये तीन डिग्री वाला टर्म है, तीन डिग्री के बाद दो डिग्री वाला टर्म होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला, फिर वो मिसिंग है, फिर एक डिग्री वाला टर्म चाहिए यानी कि एक्स का पावर एक वाला, वो है। तो जो मिसिंग है उसको जीरो कोफिशियंट के साथ इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जीरो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म चाहिए वो है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए वो नहीं है। अब ये कंप्लीट हो गया। तो इनकम्प्लीट इक्वेशन को कंप्लीट बनाने के लिए जो मिसिंग टर्म है उसको ज़ीरो कोफिशिएंट के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करके उसको कंप्लीट बना लेते हैं, इसका ज़रूरत पड़ता है। और जितना याद रखिए कि जितना डिग्री का इक्वेशन होगा कंप्लीट इक्वेशन में डिग्री से एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। अब ये जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ, इसमें n का मान, जैसे हम लोग ज़्यादातर फैमिलियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि दो डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, तो क्वाड्रेटिक में x का मैक्सिमम पावर जो दो दिखाई देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो n का मान इसमें दो डालिएगा तो n का मान दो, दो के बाद यहाँ ये एक हो जाएगा,
यहाँ x का पावर जीरो हो जाएगा, यहाँ स्टॉप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे तो x का पावर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव अब आपको बता चुके हैं कि नेगेटिव जो है x के किसी भी टर्म में x का पावर नेगेटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। x का हर जगह पावर या तो ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बड़ा यानी कि होल नंबर होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक से हम लोग ज़्यादा फैमिलियर हैं, फिर क्यूबिक से भी पाला पड़ता है, बाय क्वाड्रेटिक से कभी कभी आपके सिलेबस के हिसाब से, फिर वो हायर स्टडी में पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ एन डिग्री का पॉलिनोमियल से स्टार्ट किए हैं और इसको ख़त्म करेंगे क्वाड्रेटिक पर। तो एन का मान जब दो ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, फिलहाल ये एन है। एन का जो भी मान डालेंगे यहाँ पर उतना डिग्री का इक्वेशन आएगा। तो आपको पता है कि हम शुरू में लिए हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस टू बराबर ज़ीरो, ये लीनियर इक्वेशन है, एक डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका एक रूट हुआ एक्स बराबर माइनस टू। तो माइनस टू के सिवा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है दुनिया में जो कि इसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर दे। सो ये एक डिग्री का इक्वेशन है, एक्स बराबर माइनस टू इसका एक रूट हुआ, तो जितना डिग्री का इक्वेशन रियल या कॉम्प्लेक्स गिनती का उतना ही उसका रूट होगा। तो ये एक डिग्री का इक्वेशन है यानी कि लीनियर इक्वेशन है, तो इसको एक ही रूट होगा, मतलब वेरिएबल का एक से ज़्यादा मान नहीं मिलेगा जो कि इसको सेटिस्फाई करे, वो मान रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो। जैसे ये दो डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रियल या कॉम्प्लेक्स, ये दो डिग्री का इक्वेशन है तो एक्स का ऐसा जो भी वेरिएबल यूज़ किए हैं, एक्स यूज़ किए हैं तो एक्स का मान, वाई यूज़ कर दें तो वाई का मान, ठीक है। तो वेरिएबल जो इन्वॉल्व हुआ है ये दो डिग्री का इक्वेशन है तो एक्स का ऐसा दो मान मिलेगा रियल या फिर कॉम्प्लेक्स जो कि इसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा। सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू एंड वनली टू रूट्स। उसी तरह से ये क्यूबिक है, तीन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एक्स का रियल या कॉम्प्लेक्स तीन मान गिनती का मिलेगा, चौथा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर चौथा मिल जाता है तो ये इक्वेशन नहीं हो करके आइडेंटिटी बन जाएगा, हम लोग आइडेंटिटी का चर्चा करेंगे। जितना डिग्री का इक्वेशन है रियल या कॉम्प्लेक्स उसको उतना ही रूट्स होगा, मतलब वेरिएबल का उतना ही मान गिनती का मिलेगा रियल या कॉम्प्लेक्स जो कि उसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा, मतलब राइट हैंड साइड यानी कि जीरो के बराबर करेगा, ठीक है। तो एक एफ एक्स बराबर ज़ीरो जो हम लोग लिए हैं वो एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो चूंकि ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है इसलिए इसको एन रूट्स होगा रियल या फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये जनरल थ्योरी हुआ। ऑफ डिग्री एन हैज एन रूट्स रियल एंड नो मोर। तो जितना डिग्री का इक्वेशन रियल या फिर कॉम्प्लेक्स उसको उतना ही रूट्स होगा। रूट्स किसको कहे कि एक्स का जो भी वेरिएबल इक्वेशन में यूज हुआ है उसका मान, जितना डिग्री का इक्वेशन है रियल या कॉम्प्लेक्स उतना ही मान गिनती का मिलेगा जो कि उस इक्वेशन को आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इक्वेशन में हम लोग है कि पहले समझ गए कि हर एक टर्म का अपना अपना डिग्री होता है और डिग्री तय होता है कि एक्स का जहां पर भी कहीं पर भी इक्वेशन में पावर हो वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर वो हुआ तो सबसे पहले वो पॉलिनोमियल, वो अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकता है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। फर्ज कीजिए कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये अलजेब्रिक इक्वेशंस तो है, अलजेब्रिक फंक्शन तो है लेकिन ये
ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हम लोग कहेंगे उसमें एक्स का वेरिएबल का कहीं पर भी फ्रैक्शनल पावर या फिर नेगेटिव इंटीजर पावर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक टर्म का अपना अपना डिग्री होता है जो कि उस टर्म के पावर से डिसाइड होता है। उसमें एक्स का जितना पावर दिखाई देगा वो टर्म उतना ही डिग्री का होगा, ठीक है। हर एक टर्म का अपना अपना डिग्री हुआ और इक्वेशन का भी डिग्री होता है। अब वो क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसका जो डिग्री है वो जितने डिग्री का है वही डिग्री उस इक्वेशन का भी कहलाएगा। क्वाड्रेटिक में जैसे हम लोग चर्चा किए कि एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए वो 2 डिग्री का इक्वेशन, जिसको कि अलग से नाम दिया गया है क्वाड्रेटिक। जो क्यूबिक है उसमें एक्स का मैक्सिमम पावर 3 दिखाई देता है इसलिए वो 3 डिग्री का इक्वेशन हो, और जितना डिग्री का इक्वेशन है रियल या कॉम्प्लेक्स उस इक्वेशन को उतना ही रूट्स होगा। रूट्स को जीरो ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, चूंकि राइट हैंड साइड इक्वेशन का हम लोग जीरो लेते हैं तो जो वैल्यू एक्स का राइट हैंड साइड के बराबर कर दे यानी कि जीरो के बराबर कर दे तो एक्स का वही मान रूट्स कहलाता है। तो जितना डिग्री का इक्वेशन है रियल या कॉम्प्लेक्स उतना ही मान मिलेगा जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब रूट्स रियल होगा, कितना रूट्स रियल होगा, कितना रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा, या सारा का सारा रूट्स रियल होगा या सारा का सारा रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में समझ गए। अब इसका ये रूट्स या नेचर के बारे में आगे देखा जाए।